दोस्तों, हम लोग जानवर तो बहुत सारे देखे होंगे और जानवर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, पर चलिए आज जानते हैं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते और कहीं नहीं पाए जाते। चलिए मैं बता देता हूँ, वो कुछ ही जानवर हैं। तो ये है वो जानवर, पहला वन हॉर्न राइनो, ये विलुप्त होने वाले हैं। दूसरा एसेटिक लायन, तीसरा स्नो लेपर्ड, चौथा रेड पांडा, पांचवा लायन टेल मैंडामस, नीलगिरी था, कश्मीर रेड स्टेज और आखिरी इंडियन बाइसन। ये एकदम भैंसा जैसा दिखता है और कितने और किसी को बॉडी बनानी है ना तो इससे पूछना ये कौन से जिम में जाता है। भाई इतनी बॉडी बनाया है तो पूछ लेना इससे अगर बॉडी बनाना चाहे तो। फैक्ट कैसा लगा कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने दिन बिना सोए जी सकते हो तो कुछ लोग बोलोगे पता नहीं और कुछ लोग बोलोगे 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। पर क्या आप जानते हो, ये दुनिया में ऐसे कुछ जानवर है जो कभी नहीं सोते। सही सुना, कभी नहीं सोते हैं। तो ये जानवर ना कभी नहीं सोते तो आप जीते कैसे होंगे आप सोच रहे होगे। तो वो तो पता नहीं मुझे, आप मैं पता करके आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जानवर ना कभी नहीं सोते, ये मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये कुछ कुछ जानवर ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पहला है जेलीफिश। वाटर की दुनिया बहुत बड़ी होती है तो अभी तक हमने उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो जेलीफिश है जो कभी नहीं सोती। सेकंड अर्चिन, ये आपको प्लांट जैसे दिख रहा होगा पर ये प्लांट नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। थर्ड बेबी डॉल्फिन, डॉल्फिन का नाम तो सुन ही हो गया, बेबी डॉल्फिन, ये कभी नहीं सोती है। फोर्थ बुल फ्रॉग, और आखिरी में आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं तो इंसेक्ट में भी बहुत सारे जो सोते नहीं हैं। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आप टीवी पे कार्टून तो देखते ही होंगे पर क्या आप जानते हो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने वाले कार्टून कौन से? पूरी दुनिया का जानने का मतलब नहीं है क्योंकि बहुत सारे कार्टून हैं और उन कार्टून को जानते भी नहीं, तो इंडिया का ही जान लेते हैं। तो ये टॉप 10 कार्टून है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। छोटा भीम, शिनचैन, मिस्टर बी, ऑगी एंड द कॉकरोच, डोरेमोन, मोटू पतलू, पोकेमोन, निंजा हथौड़ी और आखिरी में आता है हागे मारू। ये बहुत नया कार्टून था और बहुत जल्दी फेमस भी हो गया। तो इन सब में से मेरे को लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने वाला कार्टून है डोरेमोन। तो आपका फेवरेट कौन सा कार्टून था कमेंट में बताना, और आपको किसी भी टॉपिक पर फैक्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने ब्रेव हो तो आप क्या बोलोगे, कितने बहादुर हो? तो आप बोलोगे हम तो बहुत बहादुर हैं। पर जो कल की ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, आप शायद देखे होगी ये वाला वीडियो, इसके सामने आपकी सारी बहादुरी फीकी पड़ जाएगी। कैसे ये आदमी ने अपना जान जोखिम में डाल के, ट्रेन सामने से आ रही थी, वो लड़की को बचा लिया और अपना जान का बिना परवाह किए, क्या बात है। पर आप सोच रहे लोगों की कि लेडी ने कैसे अपना बच्चा गिरा दिया, तो वो लेडी ब्लाइंड थी इसकी वजह से वो बच्चा गिर गया। और वो आदमी जो वो भाग के आया था, वो ना ट्रेन्स को ना झंडा दिखाता था, और जैसे ही उसने देखा, वो हम लोग रहते तो हम लोग सोचने लगते बचाए कि नहीं बचाए बचाए, उसने सोचा नहीं, तुरंत भागा, उसको बचा लिया खुद के। ऐसे लोगों को तो सल्यूट मिलना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट में बताना ज़रूर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा जो महंगी गाड़ियाँ होती है उनका ऐड नहीं आता टीवी में, ऐसा क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। महंगी गाड़ियों के जो कंपनी होते हैं उनका मानना है कि जो उनकी गाड़ी खरीद सकते हैं इतनी महंगी महंगी, वो अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करते टीवी के सामने। तो आपको ये कैसा लगा? मेरे ख्याल से ऐसा उनको लगता है, तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। दोस्तों, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्हें आज न्याय नहीं मिल रहा। कैसे न्याय नहीं मिल रहा मैं समझाता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हमारा देश मतलब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा करके रखा था कई साल तक, तो इंडिया ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। तो इंडिया को क्या महात्मा गांधी ने आज़ाद किया था? आप बोलोगे नहीं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने मदद की थी इंडिया को आज़ाद करने में। तो ये हमारे जो इंडिया के नोट होते हैं उसमें महात्मा गांधी का पिक्चर क्यों बना रहता है? कभी आपने सोचा कि बाकी जो फ्रीडम फाइटर है उनका नाम क्यों, मतलब उनका फ़ोटो क्यों नहीं लगाया? जैसे भगत सिंह है, फिर लोकमान्य तिलक है, ऐसे बहुत सारे हैं।
तो उनका क्यों नहीं लगाया गया? तो अमेरिका के जो सारे नोट्स होते हैं ना, उनके ऊपर उनके प्रेसिडेंट के इमेज लगाए देते, फोटो लगाए देते। वैसे इंडिया में लगाना चाहिए क्या अपने फ्रीडम फाइटर्स के? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में देना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना।